Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सपना मदेशिया। महाकाल थाने क्षेत्र में दो दिन पूर्व हुए गोलीकांड में आज नगर निगम टीम और सीएसपी पलवेश शुक्ला अपनी टीम के साथ कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पहले तो कॉम्प्लेक्स को तोड़ने गए और वहां सरकारी संपत्ति होने से नहीं टूटा। जब कॉम्प्लेक्स संचालक को बुलाया गया तो उसने उल्टा पुलिस पर ही कार्रवाई न करने की बात कही। पूर्व में उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ और उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हालांकि पुलिस और निगम ने कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। कॉम्प्लेक्स पर बात नहीं बन पाई तो पुलिस प्रशासन व निगम की टीम अवैध धंधा करने वाले क्षेत्र लोहे की पोल रेती वाले बाबा की दरगाह के सामने अवैध गुमटी हटाने पहुंचे। वहां भी दुकानदार ने सीएसपी पलवेश शुक्ला व निगम अधिकारी से महाकाल थाने की शिकायत कर डाली। दुकानदारों का कहना था कि हम यह कोई गलती काम नहीं करते हैं, यह तो महाकाल थाना पुलिस को चाहिए कि वह पाउडर गांजा और शराब जैसे नशे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो क्षेत्र में रहने वाले दादा पहलवान से हमें मारने की धमकी देते हैं या हफ्ता वसूली की बात करते हैं। फिलहाल पुलिस ने एक गोमतियां नहीं हटाई हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यह सब महाकाल थाने से कुछ ही दूरी पर चल रहा था। साथ ही विश्वसनीय सूत्र बताते हैं थाने पर इन लोगों का हफ्ता या महीना भी जाता है। फिलहाल पुलिस ने थाने में बंद मास्टर माइंड क्षेत्र में नशे का सरगना असलम पठान की स्वागत कैफे को सील कर दिया है।